में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सोया मखाना कीमा। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाता है, कोई ज़्यादा इसमें सामान भी नहीं लगता है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले मैंने ये सोया चंक्स ले लिए हैं, इन्हें सोयाबीन की बढ़िया बोलते हैं। हम इन्हें गर्म पानी में भिगा देंगे। ये मैंने गैस पर पानी रख दिया है और जैसे ही पानी गर्म होगा मैं इसमें सारी सोयाबीन इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। पानी हमारा गर्म हो चुका था, मैंने इसमें सोयाबीन की बढ़िया डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इनको गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगा कर रख देंगे। जो है वो भीग रही है, इतना हम मखाने फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मखाने डालकर, ये देखिए रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये मैंने 50 ग्राम के करीब मखाने लिए हैं, इनको भी इसमें डाल देंगे और इनको भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट मुश्किल से इन्हें फ्राई होने में लगती है, ज़्यादा कम ही लगती है बल्कि। ये देखिए इतनी जल्दी ये भून भी गए, इन्हें ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा ही भून से 2.5 मिनट हुए होंगे इन्हें और ये भून चुके हैं। अब इन्हें इसमें से बढ़िया हमारी अच्छे से भून चुकी हैं। अब इनको ठंडा करकर हम इनको मिक्सर में चला लेंगे। इनको बिल्कुल निचोड़ना नहीं है वरना ये ठीक से पीसेंगी नहीं, थोड़ा इन्हें पानी रखना है तब पीस। ये देखिए बढ़िया को मैंने पीस लिया है, अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। मैंने ये कढ़ाई में सेम तेल ले लिया है और इसमें 3 चम्मच के करीब बड़े चम्मच तेल के हैं, इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। ये मस्टर्ड ऑयल है, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही कलर चेंज होगा जैसे ही जीरे का, उसके बाद हम इसमें लहसुन प्याज डालेंगे। जीरा हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है और ये मैंने 2 बड़े प्याज हैं और 10-12 कलियाँ लहसुन के हैं जो मैंने एक साथ पीस लिए हैं, ये अब हम इसमें डाल देंगे। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे, 3 से 4 मिनट में ये ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। 2-3 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और मसाला हमारा ये रेडी है। अब यहाँ पर हम इस स्टेज पर ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है, ये भी इसमें डाल देंगे। जबकि ज़्यादातर सब्जियों में कसूरी मेथी बाद में डाल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे पहले ही ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने लो कर दिया क्योंकि मसाले जल जाते हैं। ये 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और जैसा कि मैंने आपसे बताया है इस रेसिपी में ऑयल ज़्यादा लगता है क्योंकि बढ़िया जो होती हैं वो भी ज़्यादा ऑयल लेती हैं और जो मखाने हैं वो। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच और थोड़ा और क्योंकि मुझे धनिया पसंद है, तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें धनिया डाल दिया है और इसमें 1/4 चम्मच गर्म मसाला, बाद में हम और डालेंगे, ये ऐड कर दिया। और मैं हींग पहले डालना भूल गई थी तो थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे। बड़े साइज के टमाटर हैं, इन्हें मैंने काट लिया है, ये अब इसमें ऐड कर देंगे। और जब तक टमाटर पक ना जाए, गल ना जाए, हमें इसे पकाना है, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले गल जाएं। ये 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। अभी तक हमने अपनी सब्जी में नमक नहीं डाला है, नमक हम इसके बाद डालेंगे। टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, अब इसमें जो हमने बढ़िया पीसी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें बढ़िया डाल दी है, अब इसको मिक्स कर देंगे और इसमें हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। अभी पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। तो अब हम इसमें 1/2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि ये बढ़िया और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और ये जो मैंने इसमें आज कसूरी मेथी जो पहले डाली है, आप ऐसे डाल के देखिए सब्जी का जो टेस्ट है बिल्कुल बदल जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, इसे आपको पसंद आएगी। अब हम इसको ढककर 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, फिर इसको ढककर पकाएंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने नमक डाल दीजिए, मैंने 1 चम्मच के करीब और थोड़ा सा और इसमें नमक डाल दिया है। बढ़िया जो है भिगाते समय भी मैंने इसमें नमक डाला था, तो इसलिए अपने अंदाज से आप ठीक से नमक डालें। अब इसे ढककर 2 से 3 या 4 मिनट के सब्जी को पकते हुए, अब मैंने इस तरह से अनियन के रिंग्स काट लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए।
के बाद हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। इनको मिक्स कर देंगे, ये इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे, कच्चे नहीं लगेंगे और जब खाएंगे तो अच्छा टेस्ट देंगे। अब इसको ढककर 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, सब्जी हमारी रेडी है। अब हम इसमें यहाँ पर मखाने डाल देंगे। गैस अभी हमने बंद नहीं किया है, गैस अभी ऑन है। इनको मिक्स कर देंगे और मुझे इसमें थोड़ा ऑयल कम लग रहा है तो अभी हम इसके ऊपर एक तड़का लगाएंगे। देखिए 2-3 मिनट में ये मखाने भी इसके अंदर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया डाल सकती हूँ, मिक्स कर देंगे इसे भी। और इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करेंगे आधी चम्मच के करीब। तो ये आधी चम्मच के करीब गर्म मसाला ऐड कर देंगे। सब्जी हमारी पक चुकी है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके लिए हम छोटा सा एक तड़का तैयार ले लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा गर्म करेंगे, जैसे ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम ये आधी छोटी चम्मच है जैगी मिर्च डाल देंगे। इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी, इसको सिर्फ गर्म करना है थोड़ा सा। ये देखिए गर्म हो चुका है। और ये 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल में इन्हें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ का तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तिल का सोचा कि तिल का लगाना चाहिए तो मैंने तिल का लगाया। ये देखिए तड़का तैयार है बिल्कुल। और ये सब्जी आप चाहे तो मटर के साथ या फिर शिमला मिर्च के साथ किसी के भी साथ बना सकते हैं। ये पहले मैंने कई बार वैसे मटर और शिमला मिर्च के साथ बनाई है, तब भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने सोचा कि मखाने के साथ बनानी चाहिए, मखाने के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। और ये तड़का जो है ये भी मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी। तो ये हमारी सोयाबीन और मखाने की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है, इसको ट्राई प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।